लोगों को दिखाने वाला हूँ कि अभी दशहरा को लेकर जगह जगह पे बाईपास के नीचे में हूँ। जैसा आप लोगों को विजिट नजर आ रहा है तो आगे है बाईपास है और मैं किधर किधर से घुमा चला गाड़ी को पाँच तरफ का है फैमिली चेक जाने वाली रास्ता। यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है गाइस जैसा आप लोग देख रहे हैं कि दशहरा वगैरह होने वाला है। अदरवाइज वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, अच्छे हैं गाइस? अभी हम लोग हैं हिरण पर्वत के पास। हिरण पर्वत है, हिरण पर्वत नहीं है, मीठापुर का मार्केट है। आप देख रहे हैं छोटा लड़का जरा साइकिल चलाकर कितना मेहनत कर रहा है। और अभी पटना में गाइस जैसा आप लोग देख रहे हैं दशहरा के लेकर काफ़ी धूमधाम सी मची हुई है। और आगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ जैसा कि वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि दशहरा को लेकर अभी कुछ अभी शॉपिंग वगैरह मार्केटिंग का कुछ हाल ऐसा है जैसा आप लोग देख सकते हैं। पटना मीठापुर का हाल है। और 20% डिस्काउंट के साथ मिल रही है डबल डोजी। हाँ, यहाँ पे जैसा देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को और आगे दिखाता हूँ। यस हाँ तो महेश लड़का को देख रहे हैं। हाँ तो स्टंट भी मार लेता है साथ में। और गाइस हम लोग फ्लाईओवर के पास आ गए हैं। ऊपर फ्लाईओवर है और हम लोग इधर भाई गाड़ी चला रहे हैं। हम लोग और गाइस हम लोग स्टेशन के पास आ गए हैं। महल तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। हाँ देखिए एक्सपीरियंस जाम में महल सार ब्लॉक से यहाँ पे गांधी चला कर आ रहा है स्टेशन के पास। जगह पे जाने वाले हैं तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग कुछ दोस्तों के साथ जैसा आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और अभी यहाँ पे ट्रेन पार होने वाली है तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी में वहाँ पे कुछ देर फंसने के बाद हम लोग बाहर निकल गए हैं। अरे और गाइस मैं आप लोग आज पटना दिखाता हूँ कि अभी दुर्गा पूजा को लेकर क्या भीड़ भाड़ रही है और क्या चल रही है। गाइस तो आपको जो नज़र आ रहा है ये वाला पीला वाला आर्यभट्ट गाना भी लिखा ना, गाना भी लिखा। बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ लगी हुई थी वहाँ पे चलने के लिए काफ़ी मतलब ज़रूरी होता है सबको। काफ़ी जल्दी जल्दी में वहाँ पे देखना और एक मतलब एक दूसरे का अपना अपना गाड़ी बढ़ा रहे थे। अगर पीछे में जकनपुर थाना है जैसा आप लोग देख रहे हैं। और क्या है कि देख रहे हैं मीठापुर का अंदर का दृश्य है। और यहाँ से दशहरा को लेकर भीड़ भाड़े कुछ कुछ। और ऊपर में जैसा आप लोग देख सकते हैं मीठापुर पहुँच गए हैं। मीठापुर के आगे मीठापुर भाई बोल रहे हैं मीठापुर है। ये मीठापुर का अंदर का दृश्य जैसा आप लोग देख सकते हैं। और भाई काफ़ी व्यस्त नज़र आ रहे हैं गाड़ी चलाते चलाते। और भाई अभी हम लोग का गाड़ी चेंज हो गया है। अभी अपना महल ड्राइवर साइकिल प्लान से था, लेकिन अभी बाइक से आ गया। देखिए भाई हमारा अभी पटना की गलियों में घुमा रहा है। हम लोग जाने वाले एक जगह, भाई कितना टाइम पहुँचेंगे बोल रहे आ रहा है अंदर, लेकिन कितना देर नहीं जाता है। महज का अच्छा एक्सपीरियंस है गलियों में गाड़ी चलाने का। बस बस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि अभी दशहरा को लेकर जगह जगह पे गाइस पंडाल बना हुआ है। मेरे आगे में भी पंडाल है और जैसे आप लोगों को वीडियो में नजर आ रहा है, हम लोग पंडाल के नीचे में हैं। और अभी दुर्गा पूजा के क्योंकि पास में आने वाली है, इसलिए पटना में जगह जगह बहुत सारे ऐसे पंडाल बने हुए हैं। बाईपास के नीचे में हूँ, जैसा आप लोगों को वीडियो में नजर आ रहा है। जो आगे है बाईपास है और मैं किधर किधर से घुमा के लगा गाड़ी को, मैं घूम गया हूँ भाई और सीधा पुल के अंदर से बाईपास में ही निकला हूँ। तो ये पटना का हाल है और पटना के दशहरा के पहले का हाल है, कैसा हाल है जो आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में, जैसा नज़र आ रहा है। दशहरा को लेकर उसकी तैयारियों को लेकर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन मतलब कुछ कुछ लग रहा है दशहरा टाइप का यहाँ पे होने वाला है। ये बाईपास तरफ का है जेमनी चक जाने वाली रास्ता। यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है भाई, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि दशहरा वगैरह होने वाला है और काफ़ी धूमधाम सी मची है इधर, जैसा आप लोग को नजर आ रहा होगा।